नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 10 Pro 5G versus Ulefone Armor 17 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Pro 5G में 6.42 इंच जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 10 Pro 5G में 2.91 इंच जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 3.17 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 10 Pro 5G में 0.33 इंच जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 0.49 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 10 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 10 Pro 5G में 200.5 ग्राम जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 290 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 10 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10 Pro 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि Ulefone Armor 17 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10 Pro 5G में 1440x3216 और Ulefone Armor 17 Pro में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10 Pro 5G में 89.97% जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 75.28% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10 Pro 5G में 526 पिक्सल प्रति इंच जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 10 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Ulefone Armor 17 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में नाइट विजन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10 Pro 5G में Adreno 730 जबकि Ulefone Armor 17 Pro में Mali G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Ulefone Armor 17 Pro में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो 10 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Ulefone Armor 17 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Ulefone Armor 17 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 10 Pro 5G में नहीं है, जबकि Ulefone Armor 17 Pro में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 10 Pro 5G में 5000mAh जबकि Ulefone Armor 17 Pro में 5380mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 10 Pro 5G में 2
कलर्स, जबकि Olefone Armor 17 Pro में एक कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो 10 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 66,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 71,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Olefone Armor 17 Pro की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 44,000 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो OnePlus 10 Pro 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Olefone Armor 17 Pro की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में 10 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Olefone Armor 17 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Realme GT 2 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A33 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।